क्या करते हो? करता जी खोता रेड़ी चलाता था, उस बाद ट्रैक्टर चलाने लग गया। सेहन ये क्या कर रहे हो? बीमार हाँ, दिल दे किल वजा, दरवाजे उत्ते चढ़न लगा तो डिगा, दरवाजे उत्ते तो दरवाजे का किल वजा दिल दे उत्ते, पैर तो उत्तो टांके लग गए, थलो टांके नहीं लगे दिल नो। तो क्या दिल तुम्हारा ऊपर नीचे हो रहा है? नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड फैन। पब्लिक रिएक्शन शो में आपकी होस्ट अलीना तारिक करती है आपको वेलकम। कोरोना जिंदगी का एक मसला बन चुका है, डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी हर एक की लाइफ का पार्ट बन चुकी है। तो थोड़ा सा इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम लाए हैं आज का शो, जो कि होगा एक फन बेस। तो देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कोरोना का असल नाम कोरोना क्यों है। तब तक आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है? जरीन असलम। मोहम्मद शरीफ। हकीकत अली। महबूब। सलीम खान। एजाज। तो ऐ पता कि कोरोना का असल नाम कोरोना क्यों है? कोरोना एक बीमारी है, बस वो बीमारी जड़ी अल्लाह ताला दा सुनो आई दी है, वो हर आदमी ओदे बारे च सोच होनी चाहिए है, कुछ उन्होंने है भी है कुछ नहीं भी है, क्या बल्कि परहेज करनी चाहिए है। आम मिसाल तौर पर बीमारी है तो सही है ना। अच्छा। हर मुल्क दे विच जिते हजारों के हिसाब न बंदे उन्होंने डैथ हो रही है, अल्लाह ताला माशाल्लाह पाकिस्तान दे विच उहदे बारे च घट है बहुत, इन्ना नहीं है, मतलब कि हुण मुल्तान चुंगी है, वान टोन वगैरह इधर हो, इधर बहुत घट केस है ही, मेरे मैं तो सुने ही कोई नहीं फिलहाल। मैं थोड़े को यह पूछिया कि ये कोई कन्फर्म नहीं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँ जिस चीज़ का पता नहीं है। अलबत्ता ये बहुत बुरी बीमारी है और मुल्क में पूरी दुनिया में अफरा तफरी हुई खड़ी है। यू आर थैंक्स पूरे पाकिस्तानियों को एंड जजाकल्ला, मेरी तरफ से दुआ करें कि ये मर्ज़ ख़त्म हो। कोरोना एक बीमारी ऐसी है जो कि एक से दूसरे वबा फैलती है, बस ये अल्लाह की जो है हमारे से पकड़ आई हुई, जो हमारे काम है, कोई भी अच्छा काम तो कोई भी नहीं कर रहा, जो बड़ा है वो भी, जो छोटा है वो भी, सारे चोर तो मिल गए हैं, तो ऐसे ही करेंगे तो फिर ये ही होना है, अल्लाह की पकड़ है हमारे पास, बस ये जल्दी बंदे मर जाते हैं इसलिए। मतलब कि जल्दी बंदा मर जाता है उसका नाम कोरोना है? हाँ। 14 दिन का वक्फा है तो सही? हाँ, पर जल्दी हो जाता है ना, जल्दी मर जाता है। सारे झूठ है, कोई काम नहीं है, जो कुछ भी नहीं होता है, अब सब झूठ है, मजाक है ये? हाँ जी, हम लोग मजदूर आदमी है इसलिए के कुछ भी नहीं है, सब झूठ है और गरीबों को तंग हो रहे हैं। हम लोगों की जिंदगी चली गई है आपके मुताबिक ये झूठ है? ये सब झूठ है आपकी, कोई ऐसा मसला नहीं, क्यों कि हम गरीब लोग हैं, सुबह शाम से निकलने हैं, रोटी तो आवाज़ार। नाम कोरोना क्यों है? कुछ और भी तो हो सकता है, जो जी बीमारियों का नाम तो ड्रोना होना चाहिए। ये पता नहीं गोरिया नहीं रखा, वो उधरों चाइना तो आया, उन्होंने ना रखा कोरोना, तो कोरोना इंग्लिश लफ्ज़ मेरा ख्याल कोई पता नहीं की, तो वह भी कोरोना सारा सारे चलाया उन्होंने, तो यह ही कोरोना मेरे हिसाब न तो यही है, तो बाकी अगला पता नहीं क्यों रखे ने। यस, होना तो डरना चाहिए, अलबत्ता इसका नाम डरा दिया इसने लोगों। हाँ, डरा दिया, लोग रो रहे हैं अपने रोजगार की वजह से, रो रहे हैं, हकीकत कायन है। इसके नाम तो बड़ी सख्त बीमारी, इसके नाम कोरोना नहीं होना चाहिए, जो दूसरी बीमारी क्या होना चाहिए था फिर? इसके आपको वबा ऐसा नाम होना चाहिए, बीमारी बुखार शुकार जैसे। बारिश? बुखार। अच्छा, बुखार नाम होना चाहिए था इसका। हाँ जी, फिर तो हर एक से भागना था कि बुखार नहीं होना चंगा नाम नहीं। हाँ जी, नाम तो इसका यही होना चाहिए, पर ये भी अल्लाह का शुक्र है जो थोड़ा बहुत चल रहा है, वरना जो हमारे काम है हम तो इस काबिल भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस बार कि गरीबों को तंग हो रहे हैं, रोटी तो आवाज़ आ रहा, हम सुबह से घर से निकलते हैं, निके निके बच्चे तंग हो रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, पेड़ खातर निकलने दिहाड़ी भी नहीं लग रही। तक तो मुझे एक ही तजवीज़ आई है कि इनके मुताबिक कोरोना झूठ है, मजाक है, अगर पाकिस्तान वालों आंदा तो तुम कि ना रख दे। पाकिस्तान वालों आंदा अगर मिसाल तौर इधरों आंदा सी, अजाब ही सी ना किस्म का, ये अल्लाह ताला वांगू कोई बीमारी का कोई बंदे वास्ते कुछ कहते हैं, कोई ये अल्लाह बेहतर जानता हूँ कि की चीज़ है की नहीं है, किस तरह आई है बीमारी, मगर हम तकीद कर रहे हैं कि की हो रहा है, की हो रहा नहीं, की साइंसदान जिन्हें भी है। दसो कि तुम लगता है कोरोना पिछले किसी साजिश ही है?
नहीं साजिश नहीं हो सकती है ते भी ड्रामा लोगों की जेहन है मौत भी कभी साजिश हुई किसी की मिसाल तौर तू मौत आई है मौत चल गई मौत तो अल्लाह ने लैके आनी है तो वह कि साजिश मैं साढ़े समझ के नहीं है हकीकत है यहूदियों की मेरे अंदाजे से साजिश नज़र आ रही है साजिश भाई मुसलमान आपस में मुतहद ना हो मस्जिद में नमाजें नहीं पढ़ सकते अब हज की तरफ सिर्फ 100 हाजी जाएंगे लेकिन ये नहीं पता ज्यादातर उनके मुल्क में ज्यादा फैली है मुसलमान तो अभी भी महफूज है इतनी ज्यादा नहीं हुए आमीन हो इसी तरह के मुसलमान महफूज रहे और अल्लाह में अपनी अमान में रखे चीन वालों की साजिश क्या साजिश है उन्हें उससे बीमारी चीन से आई है हमारे मुल्क में तो वहाँ के तो लोगों को ज्यादा हो गया तो उनके लोगों को चीन के ये लोग अपने पास आए तो वो बीमारी फैल गई है नहीं इसी की साजिश क्या होगी ये तो अल्लाह पाक का सारा काम है वही जो करता है बेहतर ही कर रहा है ये तो हमें सजावा मिल रही है ना जो हमारी कीती है वही हमें मिल रही है सजाएं हैं हाँ जी और क्या है कोई बड़ा कोई भी बैठता है तो वो भी अपनी जेब भर रहा है अगर कोई उससे बड़ा छोटा है तो वो भी वही है वो लोग ज़्यादा तो यही बोलते हैं साजिश है तो जो मर जाता है तो वो दिखलाते भी नहीं है दफना देते हैं वो एक आदमी ने वो खोला था बक्सा उसमें से ईटें निकली थी किसकी मारी आपकी साजिश है मारी गया कि मजदूर हम गरीब हैं अच्छा अच्छा पता चले जिस दिन के कोरोना खत्म हो गया सब तो पहला काम केरा करोगे पहला तो काम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करांगे कि कारोबार खुलेंगे हर आदमी हर बंदे नू अपनी जिस तरह मिलता है सलामी तरीके दे नाल जफ्फी मार के जा जिस तरह भी उस तरह फिर तरीकाकार होएगा बस ऐ होएगा अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना है मतलब पहला काम गले मिलना है अपने अजीजा नाल ओ जाहिर है मतलब पूरे हुंदा है मतलब कोल जाना मतलब खुशी दा दार हुंदा ना जी हुण की है जी ओ पिछे हट जा तू बाहरों आया है किधरे ऐ ना हो जाए किधरे ओ ना हो जाए हुंदा होना दिला वाले ही है मगर एक बंदे की तबीयत बुखार चढ़ना निका निका बुखार चढ़ना बंदे बीमार होना बीमारियां तो है ने निका निका बुखार की है निका ने कभी चढ़ गया मतलब हो गया कभी कभी उतर गया एक गोली खा दी तो इस बारे च और कड़ा हम दुआएं करेंगे और अपना दफा करेंगे क्या दफा करेंगे दुआएं और दुआ और क्या कर सकते हैं हम लोग समझो आप एक दिन उठे और पता चला कोरोना खत्म हो गया है पहला काम क्या होगा अपना रोजगार के लिए अभी रोजगार नहीं है रोजगार नहीं है यहाँ पर ये लंगर है यहाँ पर मिला है मैंने अपने पॉकेट में डाला हुआ है यहाँ पे सप्लाई करने आ रहे हैं उनको मैं यूँ कहता हूँ यू आर थैंक्स एंड जज़ाकअल्लाह हाँ जी पहला काम ये हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये बीमारी चली जाए नहीं नहीं समझो खत्म होगी जिस दिन पता चल गया उस दिन पहला काम क्या होगा उसका पहला काम ये मुझे नहीं मिला अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा हम तो शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह हमारे मुल्क के रहम कर दिया काम ये कारोबार ही हमारा चलेगा अभी नहीं चल रहा नहीं चल रहा कारोबार चलाएंगे इससे आपकी ज़िंदगी में कितना असर पड़ा है बहुत ज़्यादा असर पड़ा जैसे कि हम मकरूज हो गए हैं कारोबार है नहीं पैसा है नहीं मकरूज हो गए हैं सौदा लाते हैं खराब हो जाता है फेंक दे सबसे पहले तो हम बच्चों को पढ़ाई दवाएंगे कि सब के स्कूल बच्चों को छूटियाँ ने सब झूठ हो रहा है कुछ भी नहीं है क्योंकि होता है तो हम लोग भी मरते कुछ भी नहीं है कोरोना से आप लोगों की ज़िंदगी में कितना असर पड़ा आप हमारे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा ये आटा और ये चीनी वगैरह सब महंगाई हो गई है अपने पास इतनी महंगाई के गरीब सड़कों पर रोल रहे हैं फिर टो रहे कारोबार खत्म कोई ख़त्म है कारोबार है ही कोई नहीं असर क्या हम खाने से भी परेशान हैं ये सौदा देख लो हमारा आपके सामने पड़ा है नहीं बिक रहा आवाम डरती बाहर नहीं निकल रही ये सौदा हमारा लाते हैं मंडी से उधार लाते हैं तो ये वैसे ही पड़ा हुआ है खाना है तो नहीं जो होता तो हम भी मर जाते और भी लोग मरते कितने मरे आपको मरने का इतना शौक आया तो जो वो जो बोलते हैं हमें कोरोना से मर जाता है तो मरना जाते हैं हम भी शुक्रिया तो कैसा लगा आज का शो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मैं रिपीट करती हूँ इस बात को कि ये शो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी लाने के लिए किया गया है लेकिन एहतियात ज़रूरी है ग्लव्स पहने मास्क पहने और सैनिटाइजर यूज़ करें इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़ लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब मेरे को लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन